हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ धर्मशाला वापस। तो ये 3 तारीख का व्लॉग है, 3 नवंबर का संडे मॉर्निंग का। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे जा रही हूँ, मैं ट्रक में जा रही हूँ जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रक होते हैं उसमें जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बस जो है वो मिस हो गई थी। मिस नहीं हो गई थी, उस दिन बस नहीं आई थी और मुझे पहुँचना भी था धर्मशाला। तो गाँव के चाचू हैं, उनके ट्रक में मैं आई थी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। हमीरपुर से थोड़ा पीछे हूँ, घुमारवीं से थोड़ा आगे हूँ। बस ख़राब हो गई थी क्योंकि थोड़े रास्ते में मैं 10-11 किलोमीटर उस ट्रक में आई थी, फिर आगे से तो मुझे बस मिल जाती है। तो यहाँ पे बस बस के ठीक होने का वेट कर रहे थे हम लोग, और बस फिर बस जैसे ही ठीक हुई वैसे ही चले। और ये है मंडे की, संडे को मैं घर पहुँची और मंडे को हॉस्पिटलाइज हो गई थी। वो अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कर लिया था क्योंकि ना मैं बहुत बोर हो रही थी वहाँ पर, तो मैंने ऐसे ही हल्का फुल्का सा शूट कर लिया। ज़्यादा यहाँ पे शूट करने का क्या शूट करती मैं, बट वैसे ही कर लिया था मैंने। तो अभी इस वार्ड में जब मैं एडमिट हुई थी उस टाइम पे हम 2 ही थे, और शाम होते होते ये पूरा वार्ड जो है फुल हो गया था। तो बस ये नीरज है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिस्चार्ज का। ये ट्यूसडे का है, वो मंडे का था। ये ट्यूसडे नहीं, दोनों ही ट्यूसडे की थी। मंडे को एडमिट हो गई थी, उस दिन का शूट नहीं किया था। तो बस ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और उस दिन जिस दिन मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई थी तो मेरे ससुर जी भी आ गए थे घर पे, मतलब मेरे से पहले ही, हम लोगों से पहले पहुँच गए थे। तो बस हम ऐसे ही उनके साथ थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे घर के पास ही। तो ये वॉर मेमोरियल है यहाँ पे, शहीद स्मारक वहाँ पे घूमने आ गए थे हम लोग, मैं, मम्मी, आदित, नीरज और डैडी जी। तो क्या होता है कि जब उनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा, उनको घर पे भी बहुत सारे काम थे, तो वो 1-2 दिन के लिए ही आए थे हमारे पास। तो बस ऐसे हम निकल गए थे घूमने के लिए। तो यहीं पे पार्क ही सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है हमें घर के, तो यहाँ पर आ गए थे क्योंकि ये वॉकेबल डिस्टेंस पर है। तो बस वही फ़ोटो खींच रही हैं, आप बोलो। Hi guys, welcome to my channel. आज अभी ब्लॉग रहा है, मैं हूँ आदित। हाँ, और पीछे रहो, आगे आगे क्यों जा रहे हो? जैकेट सही से करो पहले। हाँ, आगे बताओ कहाँ आए हो आप? मैं अभी पार्क में आया हूँ मम्मा जी। तो आपने मेरे को बूट्स क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हम बाइक पे नहीं जा रहे हैं ना, तो हम सिर्फ घर के पास घूमने आए हैं इसलिए। चलो बताओ किस किस के साथ आए हो आप, बताओ। की मत कर दूं, दादा के साथ, अम्मा के साथ। तो दादाजी आए हैं, अम्मा आए हैं। हाँ, कोई दिन यहाँ तक नहीं। जब मैं उसको प्रॉमिस नहीं किया था उस दिन कि मैं तुझे पार्क लेके जाऊंगी, उस दिन वेडनेसडे हाँ वेडनेसडे कल ही आ गई थी शाम को, दोपहर को 2 बजे करीब ऐसे पहुंच गई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़ों की तह लगा रही हूँ जो मम्मी ने धोए। मम्मी कपड़े धो रहे हैं क्योंकि मेरे ससुर जी आए हैं, मतलब डैडी जी बोलते हैं हम लोग, तो डैडी आए, उनके कपड़े थे धोने के लिए। मम्मी वो धो रहे हैं और डैडी सो रहे हैं, टीवी लगा हुआ है, कोई नहीं देख रहा है। तो मैं कपड़े तय कर रही हूँ, उसके बाद ना मुझे अलमारी सेट करनी है। अलमारी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है कपड़ों की, आदित के कपड़े भी कोई कहीं ऐसे हो गया, तो वो मुझे सेट करनी है। तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी मेडिसिन दी है 5 डेज़ की, 5 डेज़ के बाद दोबारा चेक करवाना है जाके। और बस फिर उसके बाद बाकी के काम तो हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया है, मतलब मैंने नहीं किया, मैंने अभी सूप ही पिया है। मुझे थोड़े दिन के लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट डाइट सी लेनी है, सॉफ्ट मतलब खिचड़ी टाइप दाल, बस वही लेना है अभी। रोटी, चपाती, हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, तो बस वो है। बाकी अभी रूम की ये कर लेती हूँ, अलमीरा सेट कर लेती हूँ। अलमीरा बहुत ज़्यादा वो हो गई है, मैसी हो गई है बहुत। आदित के कपड़े कहीं हैं, नीरज के कपड़े कहीं हैं, तो वो सेट करूँगी। और अभी इनको कपड़ों को तय कर लेती हूँ। अभी टाइम भी आई थिंक 10:30-11 बजे का कुछ ऐसे हो गए। थोड़े से कपड़े हैं वो मशीन में धो दिए थे, बस मम्मी उनको पानी में निकाल रहे हैं,
वो हो जाएगा, फिर उसके बाद लंच करेंगे और फिर हम जाएंगे आज आज फिर जाएंगे हम लोग मैकलोडगंज, क्योंकि डैडी को देखना है मैकलोडगंज, मम्मी को भी नहीं देखा है। फिर पेरेंट्स को होता है ना वो कि उनका नीरज का ऑफिस भी नहीं देखा है उन्होंने, तो वो भी रास्ते में जाते हुए वो भी देखेंगे, फिर मैकलोडगंज और फिर घर आ जाएंगे वापस। आदित्य के आने के बाद आएंगे, क्योंकि आदित्य अभी 1 बजे आएगा, 1:15 बजे ऐसे आएगा बस, फिर उसको रेडी करेंगे और फिर निकल जाएंगे। टैक्सी नीरज ही भेज देंगे वहाँ से ऊपर से और फिर चले जाएंगे, क्योंकि बस में थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहाँ धक्के खत्ते हुए जाएंगे, फिर तबीयत का नहीं पता चलता ना, ख़राब हो जाए। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मतलब अभी मुझे पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्या बोलते उसको, पित्त की पत्थरी, वो है, तो बस वही दिक्कत थी। तो उसका ट्रीटमेंट होगा अभी, उसको रिमूव करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो छोटी सी सर्जरी है, माइनर सी सर्जरी है, वो हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। बाकी सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो चलो फिर मैं ये कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर अलमारी सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगी आपसे। तो आज है वेडनेसडे और हम लोग जा रहे हैं मैकलोडगंज, और बस अभी निकले हैं घर से, तो मैंने सोचा थोड़ा रास्ते का भी शूट कर देती हूँ, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं आजकल, यहाँ पे स्नोफॉल हो गया है तो उस वजह से रास्ता भी बहुत सुंदर है। पुलिस वाले आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं वीरवार को यहाँ पे, तो बस उसी चक्कर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है, उस वजह से पुलिस वाले हर कहीं आपको बहुत देखने को मिलेंगे मेरी वीडियो में। भागसु टेम्पल पहुंच गए। भागसु टेम्पल ना मैंने आपको ऑलरेडी पहले व्लॉग में दिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा टेम्पल नहीं दिखा रही हूँ, बट ये पीछे वाला एरिया है जहाँ पे मंदिर के ही पीछे वाला एरिया है वहाँ पे, और ये मेरे ससुर जी आदित्य की फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे, और ये मम्मी, हम लोग ही आए थे, नीरज तो ऑफिस में ही थे, उनके पास नहीं था इतना टाइम कि हमारे साथ घूम सके, तो हम लोग ही आ गए थे चारों। तो बस अभी मंदिर के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो वाटरफॉल तक तो डैडी ने मना कर दिया, क्योंकि उनको टांग में थोड़ी सी दर्द होती है, तो फिर आगे जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, और काफ़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर को, तो इसलिए आगे तक तो हम नहीं गए, बट हम वहीं से खड़े होकर थोड़ी देर जो है वाटरफॉल देख लिया था। और वाटरफॉल मैंने आपको तो नज़दीक से दिखाया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख सकते हो, उसमें है। पहाड़ी लाइफ ऐसी होती है, कितनी मुश्किल होती है, कुछ ऐसा टाइटल मैंने दिया है उस वीडियो को, तो उसमें मैंने पूरा आपको नज़दीक जाके जो है वाटरफॉल दिखाया है। तो ये मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये रहा वाटरफॉल, और हम तो एकदम पीछे से ही देख रहे थे जहाँ से रास्ता शुरू होता है वहीं से। और यहाँ पर ना एक ये स्विमिंग पूल सा बना हुआ है, और ये जो पानी है ये नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है, ये वाटर जो इसमें है, क्योंकि ऊपर आपको पता है कि ग्लेशियर्स हैं तो यही पानी वही पहुंचता है। लेकिन आजकल तो लोग, इतना ठंडा था ये पानी, मतलब नहाते नहीं है, बट फिर भी मैंने देखा एक दो लोग थे यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे। वैसे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा यहाँ पे लोग जो है वो सुबह 5 बजे से, आई थिंक 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक या 5 बजे तक टाइम है, आप पूरा दिन जो है स्विमिंग पूल में स्पेंड कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो लोग आते हैं यहाँ पे, गर्मियों में काफ़ी भरा रहता है ये, और यहीं से पीछे का जो व्यू है वो ऐसा था, इसी यहीं से स्विमिंग पूल के पास से ही
खड़ी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो जो लोग नहीं आए धर्मशाला, ये उनके लिए है, जो यहीं रहते हैं उनके लिए तो नई बात नहीं होगी। तो ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसके पास, दलाई लामा जी का जो टेम्पल है उसके पीछे का व्यू है, ये वहाँ से क्लिक किया था मैंने। और अब हम लोग आ रहे हैं वापस, क्योंकि हमें जाना था नीरज के ऑफिस, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। फिर हम जो है आ रहे थे नीरज के ऑफिस को वापस। मैंने पहाड़ियों का ज़्यादातर इसलिए शूट किया है क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो प्लेन एरिया से, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पहाड़ियाँ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं शूट करती हूँ बाहर का, जब भी मुझे मौका मिलता है बाहर निकलने का तो मैं बाहर का ज़्यादा शूट करती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे रास्ते कैसे होते हैं, एकदम एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ खाई, बस यही रहता है यहाँ पे। तो बहुत से लोग डरते भी हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, वो अगर कभी कभी आते हैं पहाड़ों पे तो वो लोग बहुत डरते हैं ट्रैवलिंग से, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है, कहीं पहाड़ी देख के उनको चक्कर आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने साथ के। तो ये रात हो गई थी हम लोगों को वापस आते आते, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको जो है धर्मशाला का थोड़ा सा दिखाई दे रहा था दाढ़ी की तरफ का, जहाँ पे लाइट्स देखो कैसे लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। कैमरा में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई है, बट लग बहुत सुंदर रही थी, गाड़ी से तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। क्या मौसम हो रहा है आज, दिखाऊं? मैं ही नहीं दिख रही हूँ तो मौसम क्या दिखाऊं। ये देखो काले बादल, अरे देखो पीछे कैसा मौसम हो रहा है। आज थर्सडे है, थर्सडे मोदी जी आए हुए हैं आज धर्मशाला में, और बहुत जोर जोर से बादल गरज रहे हैं। और मेरी हालत ऐसी रहती है, मुझे टाइम नहीं लगता आजकल। मम्मी डैडी चले गए, दोनों सुबह चले गए थे, और ये देखो अभी 3:30 ही हो रहे हैं दिन के और ये मौसम हो रहा है। बारिश भी लगी है, हल्की हल्की सी बारिश लगी है। मैं ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है। वो क्या मौसम हो रहा है, ये सुबह से लेके ना ऐसे बादल जैसे, आज बहुत बहुत बादल थे। पहले सुबह भी बारिश लग गई थी लेकिन अब दोबारा लग गई है, और बारिश दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ये बारिश लग गई, और ये ऊपर स्नोफॉल हो रहा है धौलाधार की पहाड़ियों में। जब भी स्नोफॉल होता है ना तो ये काली काली सी जो दिख रही है ये ऐसी दिखती है। आवाज आ रही होगी आप लोगों को गड़गड़ाहट की। तो इस प्यारे से मौसम के साथ करते हैं व्लॉग का भी एंड। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हाँ यार प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता दीजिए। और आप भी बताइएगा कि आपके वहाँ का मौसम आजकल कैसा चल रहा है, सर्दी हो गई है या नहीं हुई है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।